नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ, जहाँ भी होंगे आप स्वस्थ होंगे और पूरी तरह से मस्त भी होंगे अपने काम में। अच्छा बच्चों, मेरे को बताइए, आप जब अकेले खेलते हो तभी आप ज़्यादा खुश रहते हो कि जब भी मिलकर खेलते हो तभी आपको ज़्यादा मज़ा आता है, आप ज़्यादा एंजॉय करते हो? जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, अपने भाई बहन के साथ मिलकर खेलते हो तभी ज़्यादा मज़ा आता है ना? यस, और जब भी बहुत सारा काम हो तभी भी हमको मिलकर जब हम लोग करते हैं तभी वो काम भी जल्दी हो जाता है और हमें ज़्यादा खुशी भी मिलती है। ओके, तो मिलकर खेलने में बड़ा मज़ा है ना? ओके, तो मैम क्या आप थर्ड चैप्टर की बात कर रही हैं जिसका नाम है मिलकर खेले? तो आइए बच्चों, हम जानें कि ये पाठ मिलकर खेले हमें क्या संदेश देता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सब तैयार हैं एक छोटा सा वीडियो के देखने के लिए जिसका नाम है मिलकर खेले। क्या है हमारा नया पाठ? जी हाँ, मिलकर खेले। खेले प्रेरक कहानी। स्नेहा अपने घर के आंगन में अकेली बैठी थी। वह बहुत उदास थी। उसकी माँ कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। आज उसके पिताजी उसकी माँ को अस्पताल लेकर गए थे, तभी गली में आवाज सुनाई दी, खिलौने वाला, खिलौने ले लो, खिलौने। स्नेहा आवाज सुनकर उठी और घर के दरवाजे की ओर भागी। वह कुछ सोचकर रुक गई। खिलौने वाले की आवाज लगातार आ रही थी, ये भालू देखो, नाचता बंदर देखो, आओ आओ जल्दी आओ। स्नेहा ने दरवाजे से बाहर झांका। उसके अगल बगल के घरों में कई बच्चे बाहर निकल आए थे। तभी खिलौने वाला उसके घर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे की ओट से देखा, बहुत सारे बच्चे खिलौने वाले को घेर कर खड़े थे। नीना ने आते ही घूमने वाली एक सुंदर गुड़िया पसंद कर ली। निकलने जब आप ही की तरह एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है स्नेहा, वो देख रही है कि सारे के सारे उसके फ्रेंड्स जो हैं, उसके दोस्त हैं, वो खिलौने खरीद पा रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं खरीद पा रही है? क्योंकि उसकी माँ अस्वस्थ है, बीमार है, इसलिए वो अपने घर आंगन में अकेले अकेले गुमसुम बैठी थी। चाबी वाला भालू ले लिया, जो चाबी घुमाते ही झपटता था। अभिषेक ने नाचने वाला बंदर लिया। रोहित को भोंकू बहुत पसंद आया, जिसे दबाने से भों भों की आवाज निकलती थी। एक एक कर सभी बच्चों ने पैसे देकर अपनी पसंद की खिलौने खरीद ली। तुम क्या ले रही हो स्नेहा? अभिषेक ने अपने बंदर को नचाते हुए बाहर से पूछा। मैं स्नेहा कुछ बोल न पाई। वह बिना कुछ कहे चुपचाप मुंह घुमा कर खड़ी हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई स्नेहा। नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। स्नेहा ने रुक कर जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। फिर तुम खिलौने क्यों नहीं ले रही हो? निखिल ने पूछा। मेरे माता पिता आज घर पर नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। स्नेहा ये कहते हुए दुखी हो गई। स्नेहा अपने कमरे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी, कितना अच्छा होता अगर ये खिलौने वाला कुछ देर पहले आया होता तो मैं भी सभी बच्चों की तरह खिलौने ले लेती। पिताजी मुझे खुद खिलौना लेकर देते और मैं भी अपने नए खिलौनों के साथ खेलती। तभी उसके घर का दरवाजा किसी ने जोर से धकेला। स्नेहा, स्नेहा! उसे पुकारते हुए उसके सभी दोस्त घर में घुस आए। स्नेहा चलो खेलते हैं। रोहित ने भोंकू बजाकर खेल शुरू किया। मैं किसके साथ खेलूं? स्नेहा रुआंसी होकर बोली। हमारे साथ। लो मेरा भालू ले लो। निखिल ने अपना भालू स्नेहा की ओर बढ़ाते हुए कहा। देखो ये कुत्ता कैसे सिर हिलाता है, देखो ना। ये कहते हुए रवीना ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहा। सभी ने मानो बोर लगी थी कि वह अपना खिलौना स्नेहा के हाथ में ले। स्नेहा बारी बारी से सभी खिलौने हाथ में लेकर खेलने लगी। अब उसकी उदासी दूर हो गई। दीदी ने कहा, स्नेहा हमारे पास तो एक एक खिलौना था, तुम्हारे पास तो खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने हो गए हैं। और क्या, नीना चहकते हुए बोली। सभी बच्चों की हंसने खेलने की आवाजें गूंजने लगी। दूर खड़ी आरती दीदी इन बच्चों को एक साथ देखकर खुश हो गई थी। उन्होंने ही स्नेहा को उदास देख बच्चों को ये सीख दी थी, स्नेहा तुम्हारे साथ खेलती है ना, फिर आज उसे अकेला क्यों छोड़ रहे हो जबकि उसकी माँ भी बीमार है। सभी जाकर उसके साथ आंगन में खेलो,
अपने खिलौने उसे दिखाओ, वह खुश हो जाएगी, तभी तो खेलने में असली मजा आएगा। अब आरती दीदी बच्चों को खिलौने के साथ खेलते हुए देखकर बाहर के दरवाजे से ही मुड़ गई। सी, मिलकर खेलने में और मजा आता है। तो आपने जाना कैसे स्नेहा को सब लोगों ने, यानी कि सारे उसके दोस्तों ने खुश किया, वो भी किसके कहने पर? हाँ जी, आरती दीदी के कहने पर। जब स्नेहा वो रुआसी हो गई, बहुत उदास हो गई, तो वह अपने घर आंगन में रोने लगी। तब सारे के सारे उसके दोस्त आए और अपने साथ जो उनके पास खिलौने थे वो उसको देने लगे, और वो सारे के सारे दोस्त मिलकर खेलने लगे। और इस कहानी से हमें, जो कि ये प्रेरित पाठ है, हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है कि मिलकर खेलने में और मज़ा आता है। ठीक है, अकेले रहने से हम लोग बोरिंग फील करते हैं, डिप्रेसिव लगता है, दुख होता है ना, तो मिलकर खेलने में, काम करने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि कहा जाता है, एक और एक 11 होते हैं। ओके, तो ये थी हमारे पाठ की सीख। आइए हम लोग चलते हैं अभी मौखिक शब्दकोश की ओर। अर्थ शब्द अर्थ, अगल बगल यानी कि आसपास, आपके अगल बगल में कौन रहता है? आपके पड़ोसी यानी कि आपके आसपास कौन रहता है? दूसरा है ओट यानी कि आड़। तीसरा है सीख यानी कि शिक्षा, जैसे कि हमें इस पाठ से शिक्षा मिली। रुआसी यानी कि रोनी जैसी, जब भी हमें कोई कभी कभी मनचाही चीज़ नहीं मिलती है तो हम क्या हो जाते हैं? उदास होने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो उसको हम बोलेंगे रुआसी। उसके बाद झांका यानी कि देखा, कभी आप इधर उधर ऐसे दरवाजे से देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, उसको कहा जाता है झांकना। उसके बाद है संग यानी कि साथ में, सब मिलकर साथ में रहेंगे, साथ में खेलेंगे, तो उसका अर्थ है, संग का मतलब होता है साथ। उसके बाद आता है उदास यानी कि दुखी। आंगन, घर के अंदर या सामने का खुला स्थान, जहाँ पर आप अक्सर खेलते हो ना अपने दोस्तों के साथ। आपका जो आंगन रहता है घर का, आगे या घर के पीछे जो खाली स्थान रहता है, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं आंगन। घर के अंदर या सामने का खुला स्थान। उसके बाद है होड़, एक दूसरे से आगे बढ़कर, प्रतिस्पर्धा यानी कि आगे बढ़ना, कंपटीशन करना, होड़ करना, एक दूसरे से आगे बढ़कर चलना। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे होड़। तो ये थे आपके शब्द अर्थ पाठ 3 मिलकर खेलें। और दूसरे पार्ट में हम लोग जाएंगे रीडिंग प्रैक्टिस की ओर। तब तक आप रीडिंग कीजिए और साथ में ये शब्द अर्थ भी आप अपने कॉपी में ज़रूर उतारेंगे। तो कैसा था ये पाठ, मज़ा आया ना? तो आप सब भी मिलकर खेलेंगे, ओके, और साथ में भाई बहन के साथ मिलकर पढ़ाई भी करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए। नमस्कार बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।